दोस्तों मिर्जापुर सीजन थर्ड को आने में काफी ज्यादा समय लग गया। जी हाँ दोस्तों, इसके सीजन थर्ड को लाने में मेकर्स को लगभग पूरे 4 साल लगे हैं दोस्तों। लेकिन क्या मिर्जापुर सीरीज का भोकाल कम हुआ है या नहीं, तो जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका भोकाल बरकरार रहा है सीजन थर्ड के अंदर भी। पूरा सीजन गोलियों की तड़तड़ाहट से भरपूर है और भोकाल भी खूब मचाया है। लेकिन इस बार भोकाल हमें देखने को मिल रहा है गुड्डू भैया का। जी हाँ दोस्तों, इस बार कालीन भैया भोकाल मचाते हुए इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं जिस तरह से यहाँ पर गुड्डू भैया ने आतंक मचाया है। सीजन थर्ड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सीजन थर्ड खत्म हुआ था। मुन्ना भैया यहाँ पर गाइज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, साथ ही साथ गाइज यहाँ पर कालीन भैया जो है वो कोमा के अंदर है और जो अपने गुड्डू भैया है वो अब ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। इस सीजन के अंदर आपको गाइज यहाँ पर कालीन भैया का रोल कम देखने को मिलता है और यहाँ पर गुड्डू भैया को काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। अब रोल बड़ा है तो भोकाल भी बड़ा ही होगा ना। वहीं बात करें गोलू गुप्ता का तो उनका भी भोकाल इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज मिर्जापुर सीजन थर्ड के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है मिर्जापुर की गद्दी का। बाहुबलियों की एक मीटिंग चल रही होती है और गुड्डू भैया भी उसी मीटिंग का हिस्सा होता है। मीटिंग के अंदर चर्चा होती है कि आखिर कालीन भैया के बाद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा कौन। लेकिन यहाँ पर गुड्डू भैया पहले ही तय कर चुके हैं कि आखिर मिर्जापुर की गद्दी पर वही बैठेंगे क्योंकि कालीन भैया को कोमा में पहुंचाने वाले वही है। सो दोस्तों, इसके ऊपर भी एक पेच है। अब वो क्या पेच है वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। सो दोस्तों, आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। कितने घंटे की सीरीज है, कितने इसके अंदर आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे, पूरी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। तो एंड तक बने रहना हमारे साथ। और यार, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दोस्तों, खैर अगर बात करें मजे की तो गाइज ये शो आपको पूरा बराबर मजा देता है, बोर तो आप कहीं से भी नहीं होगी। और रही बात स्टोरी की तो सीजन आपको थोड़ा स्लो जरूर लगेगा, कहीं कहीं आपको कहानी थोड़ी खींची खींची सी लगेगी, लेकिन भोकाल में कोई कमी नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर पंकज त्रिपाठी गुड्डू भैया के रोल में, यहाँ पर अली फजल, विजय वर्मा, रसिका दुग्गल, ईशा तलवार, श्वेता त्रिपाठी आदि ने अपना रोल बखूबी प्ले किया है। हर एक डिपार्टमेंट में उनको जो रोल दिया है उसके अंदर वो फिट है और भाई साहब हिट है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो यार इस सीजन को डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने और थर्ड सीजन को उन्होंने बेहतरीन तरीके से संभाला है। इस बार आपको कुल जमा 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे गाइज, और लगभग इसको देखने के लिए आपका कीमती समय में से लगने वाला है पूरे 5 घंटे। यकीन मानिए दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद यकीनन आप इसे बिना देखे नहीं रह पाओगे। सो यार, अगर मेरी तरफ से रेटिंग की बात करें गाइस तो 5 में से 3.5 स्टार इस सीरीज को देना तो बनता है। सो दोस्तों, ये था यार मिर्जापुर सीजन थर्ड का रिव्यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।